तो आखिर इन पुलिस वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से योगी सरकार को अदालत लगानी पड़ी, इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। पूरा मामला 2004 का है, जब यूपी में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और ये 6 पुलिस वाले कानपुर में खुद को ही अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे। 2004 में कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, धरने पर बैठे थे। उनके साथ तब के विधायक सलील बिश्नोई और कार्यकर्ता भी थे। धरना शांति से चल रहा था, तभी ये पुलिस वाले पहुंचे और बीजेपी विधायकों और नेताओं के ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी थी। इस लाठी चार्ज में बीजेपी के विधायक सलील बिश्नोई का पैर टूट गया था। इसके साथ ही कई और भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट लगी थी। बात 2004 की है, तब इन्होंने नहीं सोचा रहा होगा कि कभी योगी नाम का कोई मुख्यमंत्री भी यूपी में आएगा। लेकिन विधानसभा में सारे विधायक और पूरे देश के साथ लाइव टीवी पर इन सभी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि इसके बाद भी इन 6 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई और एक दिन के लिए लॉकअप में भी बंद किया गया।